मिनी पैलेस जिधर रानी पद्मावती जो थी वाइफ ऑफ रतन सिंह वो अपने दासियों के साथ इधर रहते थे। तो चलिए अभी पैलेस के साइड देखते रहे, आइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ का वीडियो है जो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट में पहले अपलोड करके रखी हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ देखिए क्योंकि ये कंटिन्यूस वीडियो है। मैं पार्ट वन और पार्ट टू करके वीडियो बनाई हूँ और ये जो मैं आई हूँ ये पद्मिनी पैलेस है, आप लोग देखिए। पद्मिनी पैलेस रानी पद्मावती की है। रानी पद्मावती 1600 दासियों के साथ इधर रहते थे। इधर जब मैं आई तब ऐसा कुछ रूम या फिर पद्मिनी रानी कहाँ रहते थे ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे गार्डन है और इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा करके रखे हैं। इधर मैं अंदर जाके मैं एक रूम में गई थी जिधर से लोग बोलते हैं कि उधर के विंडो से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की चेहरा देखे थे आईने में, ये जो विंडो है उसी से ही, और कहाँ पे देखे थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये कहानी के बैक में कितना सच्चाई है किसी को पता नहीं है। और ये देखिए एनवायरनमेंट कितना अच्छा सजा के रखे, गार्डन्स है इधर। ये जो छोटा सा महल जैसा आप लोग को दिख रहा है एक तालाब के बीच में, यहीं से ही इधर ही पद्मावती रानी थे और अलाउद्दीन खिलजी ने वो रूम से देखे थे करके कहा गया है। बारिश हो रही है अभी, पता नहीं मैं कितना देखा पाऊँ, बट फिर भी ट्राई कर। पद्मिनी पैलेस के बाजू में ही नाश्ता करने के लिए ऐसे चौल लगाया गया है खाने का। इवन राजस्थानी ड्रेस पहन के आप लोग फ़ोटो भी खींच सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा वेदर ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, तो देखते कितना दूर जा पाती हूँ। एक को पूछा तो बोला कि पद्मिनी पैलेस के उधर कुछ है नहीं देखने के लिए, बट देखते क्या होता है। नहीं तो वापस जाते हैं दूसरा पैलेस देखते, रतन सिंह की पैलेस देखना है और बहुत कुछ देखना है जो हम लोगों ने नहीं देखा है। एंड बने रहिए। ये है राजा रतन सिंह की पैलेस है जिधर एकदम लास्ट में पड़ते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के। इधर जब आई बहुत ही बारिश दे रही थी और वेदर बहुत ही ख़राब था, तो बहुत ही ठंडी माहौल चल रहे थे। ये देखिए रतन सिंह की पैलेस। तो पद्मिनी पैलेस के कंप्लीट अपोजिट साइड है रतन पैलेस जिधर राजा रतन सिंह रहते थे। तो आइए देखते हैं कैसा है। अभी एंट्रेंस जो है वो बहुत ही मस्त है देखने में। और पहली बात ये आप लोग सोचे होंगे कि मैंने ड्रेस क्यों चेंज किया, ड्रेस चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। स्वेटर इसलिए पहन लिया क्योंकि इधर का वेदर बहुत ही ठंडी है, इतना हवा दे रही है क्योंकि बाहर में है, इसीलिए बारिश दे रही करके बहुत ठंडी लग रही है, इसलिए स्वेटर पहन रही हूँ, ड्रेस चेंज नहीं किया। रतन सिंह के पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट के एकदम एग्जिट साइड में है, मतलब पद्मिनी पैलेस से कम्प्लीटली अपोजिट साइड में। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का ये सेकंड पार्ट वीडियो आप लोग को इतना अगर नहीं समझ में आया तो मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उधर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया गया है। इधर ओनली पद्मिनी पैलेस और रतन सिंह के पैलेस ही मैंने इंक्लूड किया है, बाकी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जगह है। एशियस लार्जेस्ट फोर्ट है तो बहुत ही जगह है, मंदिर वगैरह है, पैलेसेस बहुत सारा है। तो पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ये रतन सिंह के पैलेस देखने के बाद हम लोग चले गए थे। और गाइस या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाँ डोंट फॉरगेट टू वॉच माई फर्स्ट वीडियोज़।